अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूं फ़ाद शहबाज़ ख़ान। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद के मौके पर भी आपको यहां पुरेसरार लोग, बड़े पैमाने पर ऐसे अफराद जिनके घर बार नहीं है वो नज़र आएंगे, जिनका बसेरा ईद के दिन भी आपको फुटपाथों पे नज़र आएगा और ये अफराद आपको घर जाते दिखाई नहीं देंगे। ज़िंदगी इन लोगों की अजीरन हो चुकी है, आसाइश, सहूलत, ख्वाब, ये मोहब्बतें, ये सारी इनकी ज़िंदगियों में नहीं है। इनकी ज़िंदगियों में ब्रांड्स भी नहीं हैं, इनकी ज़िंदगियों में बेहतरीन डाइट भी नहीं है, बेहतरीन सहूलियात भी नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, ऐसे अफराद नहीं हैं जो इनको आकर थपकी दे सकें, हौसला बता सकें और इनके आंसू पोंछ सकें। ये हालात लाहौर के आपको बता रहे हैं और ईद पर बता रहे हैं। यहाँ इंसानियत और उसकी कदरों कीमत इस कदर गिर जाएगी और इस कदर सस्ती हो जाएगी कि इंसानों को इस अमीर तरीन शहर में, अमीर कबीर शहर में फुटपाथों पे बसेरा करना पड़ेगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था। लाहौर बड़ा गरीब परवर शहर है, गरीबों को अपने अंदर जगह देता है, उनको अपने अंदर आने की दावत देता है, लेकिन इसके बरक्स ये वो क्लास है जिससे मिलवा रहे हैं जो गुर्बत से भी नीचे गिर चुकी है, जिनका शुमार अब शायद फुटपाथियों में होता है। ऐसे अफराद जो सिर्फ फुटपाथ पे गुजारा करते हैं, जिनका घर बार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त अहबाब नहीं है और सबसे बढ़कर कोई औलाद भी ऐसी नहीं है जो इन्हें संभाल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? रफाकत साहब। तो रफाकत साहब, मुझे बताएं किस इलाके से हैं आप? क्रीम पार्क। हाँ जी, क्रीम पार्क। क्रीम पार्क से? तो इधर क्यों हैं आप बैठे हुए? अरे फूल बेची है। हाँ जी, फूल बेचते हैं, गुलाब के फूल नहीं होते जो ऊपर? तो आप देख रहे हैं इधर बहुत बड़ी ऐसी तादाद है जो घरों को नहीं जाती। आप कहाँ सोते हैं? इधर ही बारिश होते हैं? नहीं, कभी घर चला जाते, कभी घर के क्रीम पार्क। जब देर हो जाती है तो फूल वूल होते हैं, कोशिश यही होती है कि ये मतलब बिक जाए, पड़े रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे। तो फूल आप कितने कमा लेते हैं फूलों से? बस अल्लाह जो भी करता है सही करता है। सिर्फ सिगरेट पीते हैं, कोई नशा तो नहीं करते? नहीं। कितने बच्चे हैं आप? दो। तो ये काफ़ी दिन हो गए आपने कपड़े नहीं बदले हुए, ईद का मौका है कपड़े भी नहीं बदले, क्या वजह है? बदलने की कोई ऐसी बात हैं? जोड़े वगैरह आपके पास कपड़े हैं पड़े? हाँ जी। सूरत हाल जो है वो जो आपको आसान नज़र आती है, इतनी आसान है नहीं, बहुत ख़राब है सूरत हाल। ये पीछे आप देख सकते हैं ईद के दिनों की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। ये आपको भाईजान जो है वो सुकून से लेटे हुए नज़र आएंगे। भाईजान सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? तो ईद पे घर नहीं गए आप? घर बस जाऊँगा, घर छोड़ आया हूँ, अब्बू फौत हो गए, अम्मी ने दूसरी शादी की हुई है, घर नहीं है। किस जगह घर है आपका? सादकाबाद। हाफजाबाद के हैं? सादकाबाद। सादकाबाद। तो कितनी देर होगी घर छोड़े को? 6 महीने हो गए, इधर काम करते हैं, दिहाड़ी लगा लेते हैं, खा लेते हैं। अम्मी जान को पता है आप इधर होते हैं? हाँ, फ़ोन करता हूँ, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। अम्मी से बनती है? हाँ। तो घर से क्यों निकल आए? बस वैसे निकल आया, वो किसी और का घर है ना, शादी और जगह हुई है उनकी, तो इसलिए नहीं रह सकता मैं। मैंने भी शादी नहीं की अभी। आपने भी शादी नहीं की? तो आपके पास घर नहीं है? नहीं। तो खाना पीना कहाँ से खाते हैं? भाई इधर से लंगर खा लेते हैं या होटल से, पैसे हों तो। तो ईद के मौके पे भी आपको इसी तरह रहना पड़ेगा, इसका मतलब घर नहीं है कोई? ईद का मौका है और कोई घर नहीं? नहीं। तो कितनी देर होगी लाहौर आए हुए आपको? 6 महीने हो गए। 6 महीने से लाहौर है? हाँ जी। और अब वापस नहीं जाते सादकाबाद? वापस चले जाता हूँ, अगर वो बुलाएं अम्मी तो फिर चले जाता हूँ, शायद ईद पे भी चले जाऊँ, कोई पता नहीं। ईद पे तो नहीं बुलाया अभी तक? हाँ नहीं बुलाया अभी तक, ईद तो बस गुजर गई समझे। हाँ गुजर गई है। परदेसी तो चले चले गए, ईद का तीसरा दिन आ गया। अच्छा, इसका मतलब है कि सूरत हाल ख़राब है। तो इधर कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं? इधर यही 500-600 की लग जाती है। सोने के लिए कोई जगह नहीं? बस इधर ही सोते हैं। डर नहीं आता फुटपाथ पे सोते हुए? नहीं, डर किस चीज़ का, अल्लाह से डरना चाहिए, वो सरकार है, दादा सरकार है।
ठीक है जी, ये सूरत हाल आपने देखी है, सुनी है, नडर लोग हैं, तवक्कल सिर्फ अल्लाह पे, सो जाते हैं जहाँ मौका मिलता है सो जाते हैं, और कुछ नहीं है इनके आगे पीछे, कुछ नहीं है। वो लोग जो फुटपाथ पे करते हैं बसेरा, घर इनके अगर हैं तो ये घर क्यों नहीं जाते? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। तो ये लाल पटका क्यों पहना हुआ है? जो भाजी कारोबार नहीं है, कारोबार के लिए निकले हैं बाहर, मस्कीन हैं। किस इलाके से आप? हमारा शहर तो ननकाना है, ननकाने के रहने, लेकिन बच्चों के लिए आए हैं, बड़े बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो घर किधर? ननकाना ही है। हाँ, घर हमारा ननकाना ही है। तो ईद पे गए नहीं आप ननकाना? अब नहीं जी गए, कारोबार नहीं है, रोजी नहीं है, पैसा नहीं है, और चार बच्चियाँ हैं, वो जवान हैं, मकान की छत गिरी हुई है, उसके ऊपर छत नहीं है, तो इसलिए निकले हैं, निकले हैं। तो आप कैसे गुजारा करते हैं? आप बस ऐसे बात सड़कों में जो एक दूसरे की मदद लेते हैं, मदद लेते हैं, कोई 100, 50, 20, 10 मिल जाते उसके लिए वो घर खाना लेके जाते हैं, तो बच्चियों का आप गुजारा होता है। ऐसी 10, 12, 15 साल हो गए, ये हरनी के मरीज हैं, इसमें जो बड़ी हरनी है, ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं है मेरे पास, तो यानी कि इसी तरह गुजारा सड़कों पर गुजारा कर रहे हैं, करते करते सड़कों पर गुजारा कर रहे हैं। ईद इसी तरह गुजरेगी सड़कों पे? इसी तरह गुजरेगी, और ना कुछ नहीं। ईद तो इसी तरह गुजर गई आपकी ना? हाँ, गुजर गई ना। इसी तरह सूरत हाल रहेगी? इसी तरह गुजरेगी ना। ईद के मौके पे ये बड़ी तलख बातें हैं, तीसरा दिन है आज ईद का, और ये तलखी की इंतहा है कि इन अफराद तक ना कोई मदद पहुँचती है, ना कोई सूरत हाल इनकी ऐसी है कि इनकी सूरत हाल बेहतर की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। किस इलाके से आप? इधर के सराय आलमगीर। तो घर नहीं गए ईद पे? नहीं गए। क्यों? हाँ, किराया नहीं है। किराया नहीं है? हाँ। कितना किराया लगता है? 250। 250 अगर आपको मिल जाए तो आप चले जाएंगे? पक्की बात है? या आपको खाना पीना खा लेंगे 250 का? नहीं, चले जाएंगे। तो आपने मांगा नहीं किसी से कि यार 250 दो मेरे पास? नहीं, नहीं मांगा। ये वाला तक ये देखें, फटे हुए कपड़े, वो सीधा फटे हुए कपड़े, ये आप देख सकते हैं, गुर्बत की ये हालत है। और ये ग्राफ है गुर्बत का, जो लाहौर के अहम तरीन इलाके दादा नगरी में दादा साहब के बिल्कुल सामने पुल के नीचे आपको दिखा रहे हैं ये मनाजर, ईद के मनाजर, और ये यहाँ की सूरत हाल है। तो कितनी देर से आप इधर हैं लाहौर? 6 महीने हुए हैं। 6 महीने? तो 6 महीने से वापस नहीं गए कभी? नहीं गए। किराया कभी नहीं हुआ कि वापस जा सके? नहीं है। किसी दिन आपके पास 250 रुपया नहीं हुआ? नहीं है। अगर हो तो चले जाएंगे? किसके पास जाएंगे वहाँ? अपने भाई के पास। भाई का नंबर है आपके पास? नहीं। आपके पास मोबाइल भी नहीं है? नहीं। तो आप मिलना चाहते हैं भाई से? भाई नहीं मिलता। नहीं मिलता, तो फिर आपके पास 250 हो भी तो इसका मतलब है कि जाने का फ़ायदा नहीं। हाँ, ऐसा ही है। क्या पैगाम अपने भाई को देंगे अगर वो सुन रहा है आपकी बात? क्या उसको देना है? वो नहीं आएगा। क्या वजह है आपकी? कोई लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई नहीं हुई। फिर माई बाप पूरे हो गए हैं, वो अपने अपने घर वाले हैं, मैं अपने अपने घर। आपके बच्चे कितने? नहीं हैं बच्चे। बेगम साहिबा? वो उधर ही है, पेके ही। आपकी लड़ाई हुई है बेगम से? तलाक तो नहीं दी अभी? नहीं नहीं दी। किस बात पे लड़ाई हुई? बस छोटी छोटी बातों से, वो रहनी नहीं है कड़ी, कदे उधर कदे उधर कदे इधर। आपके पास पैसे नहीं होंगे ना? नहीं, काम करते हैं मिस्त्री उधर गांव में, मिस्त्रियाँ काम करते हैं, क्या पैसे बहुत हैं। ईद के मौके पे फुटपाथ के तले फटे कपड़े पुराने पहने हुए, कैसे आप जी रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? सही है बात। सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है जी, और ये जो जो आप बढ़ते जाएंगे, ये देखिए ईद का मौका और इंतहा है ऐसे अफराद की जो यहाँ मौजूद हैं। ज़िंदगी जो है इन लोगों के लिए, ज़िंदगी को ना बना लें वो सज़ा मेरे बाद, वो सूरत हाल बनी हुई है कि इनकी ज़िंदगियाँ सज़ा बन चुकी हैं बाकायदा तौर पे। अब ये शायद कोई नशा करके सो गए हैं ईद के मौके पे, कि नींद की हालत में
शायद कुछ पल अच्छे गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? बस चल रहे बाबू। तबीयत कैसी? एक्सीडेंट हुआ, मेरे लत्तों के कपार टूटे। ईद तक कार नहीं गए? कार में आई थी वो सामने बच्ची जा रही। कार क्यों नहीं गए? कार से वो बाहर मैं गए, मैं इसे आगे बह जाना। कपड़े भी बड़े दिनों तो तुम बदले नहीं, ईद का मौका है, नए कपड़े नहीं है पास? कपड़े चक्के ला जाते बाबा जी, जुटी जा मेरे चक्के ला के मैं चंद हो गया मैं बैठा। कपड़े भी ला जाते, जुटी भी ला जाते, उन्हें मैं लड़ नहीं सकता, मैं मगर भज नहीं सकता। ऐसा माँ भी मेरी जुटी है, लत भी है। खाते पीते कहाँ से हैं? दुकान वाले रोटी देते हैं, दो खूंजे पर दुकान है। ये सूरत हाल है जी, इतने क्रूशल मोमेंट्स हैं के नाकाबले बयान है, इन्हें बयान में लाना बड़ा मुश्किल है।